वाह। और उसके बाद में ये तालाब के पुश्ते के टूटने के बाद सैलाब जैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा शहर हैदराबाद को। सिर्फ चंद्रायन गुट्टा नहीं बल्कि पूरा शहर डूबा हुआ था। 117 बरस के बाद इतनी मूसलाधार बारिश हुई, जब तोगयानी आई थी तो जितनी सेंटीमीटर बारिश हुई थी उससे दुगनी सेंटीमीटर की बारिश हुई। तोगयानी आने के बाद ही उस्मान सागर व हिमायत सागर और मूसा नदी बनाई गई थी। उस वक्त 15 सेंटीमीटर थी और फिर ये हाली अरसे में जो बारिश हुई तो करीब 29 सेंटीमीटर की बारिश हुई। तो काफ़ी तबाही बर्बादी हुई पूरे शहर में। तो उस वक्त भी हमने मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन लॉकडाउन से लेकर आज तक मैदान अमल में सरगर्म रही, मुतासरीन की इमदाद करती हुई, परेशान हाल लोगों की मदद करती हुई, और हमारी जानिब से जो भी मुमकिन हमने किया। और यह सारा काम सदर कुलीन मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की रास निगरानी में हुआ और उनकी सरपरस्ती में हमने ये गैर मामूली काम किया। और इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि लॉकडाउन में हमने हर किसी की मदद की, बिला लिहाज मजहब मिल्लत हमने हर किसी की मदद की, हर परेशान हाल की हमने मदद की। और वो लोग जो हमारे रियासत या शहर से ताल्लुक़ नहीं रखते हमने उनकी भी मदद की, चाहे वो बिहार के हो, उत्तर प्रदेश के हो, झारखंड के हो, कहीं के भी हो, हमने उनकी मदद की। जो भी हमारी जात से मुमकिन हमने किया और हमारे कारकुनों ने घरों पे दस्तक देकर इमदाद पहुंचाई। ये सिलसिला जारी रहा और फिर यह सैलाब के मुतासरीन की मदद के लिए भी हमने 33 अशिया पर मुश्तमिल 5000 किट्स, करीब 2.5 करोड़ रुपये के हमने तकसीम किए। 33 अशिया उसमें थी तो अनाज था, अनाज के साथ कपड़े थे, कपड़ों के साथ बर्तन था, बर्तन के साथ सोने के लिए शतरंजियाँ बैठने के लिए चादर भी थी। ये सारी 33 अशिया हमने दी, जिसमें छोटे बच्चों के कपड़े भी थे, बड़ों के लिए भी कपड़े थे, कुर्ते पैजामे लुंगी, और उसके साथ लेडीज़ के लिए मैक्सी भी थी, और फिर जेंट्स के लिए लेगिंग्स थे, टी शर्ट्स थे, ट्रैक सूट्स थे, लेडीज़ के लिए लेगिंग्स थी, कुर्तियाँ थी, भगोने थे, प्लेट्स थे, रिकाबियाँ थी, चमचे थे, और फिर गिलास भी था, उसके साथ चावल भी था, आटा भी था। और फिर हमने तेल, नमक, मिर्ची, हल्दी, ये सारी चीज़ें हमारी जानिब से जो कुछ हो सकती थी हमने की। बेशक हमारी एक कोशिश थी और हो सकता है कि हमारी इस कोशिश में कुछ लोग छूट गए हों, हो सकता है छूट गए हों, इंसान बशर हैं, लेकिन हमारी नीयत तो यही थी कि हर मुतासिर के घर तक हमारी इमदाद पहुंचे। अगर कहीं पर छूट गई है तो मैं मौजरत हाँ हूँ, लेकिन हमारी नीयतों में कोई शक नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी नीयत थी कि मुतासरीन के दर तक, दरवाजे तक दस्तक देकर हमारी इमदाद को पहुंचाए। और हमने वो इमदाद भी की और उसके बाद अब तक 15 मेडिकल कैंप्स बइश्तराक सालारे मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट, जो अद्वियात का जितना खर्चा है सालारे मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट दे रही है, और फिर वहाँ इंतज़ाम करने का भी जो खर्चा है वो सारा खर्चा भी सालारे मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट से हम बर्दाश्त कर रहे हैं। और फिर डॉक्टर्स ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, ओवैसी हॉस्पिटल और प्रिंसेस असरा हॉस्पिटल की जानिब से 100 डॉक्टर एक हेल्थ कैंप में अपने खिदमात अंजाम दे रहे हैं। तो हमने जुमला कल तक जो सालाना बारकस में कैंप हुआ उसमें 24,900 लोगों का हमने इलाज किया, अद्वियात दी, दवाइयाँ दी और बीमारों को इलाज किया। और उन कैंप्स में जो बहुत ज़्यादा मुतासर थे उन कैंप से हमने करीब
30 पेशेंटों को ओएसी वासरा हॉस्पिटल को रुजू किया, वहां पे उनका मुकम्मल इलाज हो रहा है और फ्री इलाज का हमने एहतमाम इंतजाम किया ताकि जो हेल्थ कैंप में आए थे जिनकी बीमारी उस कैंप में नहीं होती, दाखिले दवाखाने के जरिए उनकी बीमारी दूर हो सकती है, तो हमने वो काम भी अल्हम्दुलिल्लाह किया। और अब तक ये मेडिकल कैंप्स पर हमने करीब 1,20,00,000 रुपया हमने तकसीम किया, खर्च किया इस कैंपों पर, क्योंकि जो भी हमारे कैंप में आया कम से कम 600 रुपये की दवा और ज्यादा से ज्यादा 3,000 की दवाएं लेकर लोग पैकेटों में अपने हाथ में गए। दुनिया ने देखा, लोगों ने देखा, हम सिर्फ जबानी जमा खर्च नहीं करते बल्कि अमली तौर पर काम करते हैं, और हमारा काम हमारी पहचान है, हमारा काम हमारा नाम है, हमारा काम हमारी ताकत है, हमारा काम हमारी पहचान बनकर सारे लोगों को रश करने पर मजबूर कर रहा है कि काश हमारे पास भी ऐसे खिदमत गुजार लोग होते, काश हमारे पास भी ऐसी जमात होती, काश हमारे पास भी सालारी मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट जैसे खिदमत करने वाले खिदमत गुजार होते। अल्लाह के पास काम करने वालों की कमी नहीं, अल्लाह जिससे चाहे उससे काम ले ले, लेकिन अल्लाह सुबहाना उताला ने इस गुनेगार बंदे को मौका दिया तो मैं अल्लाह की बारगाह में सजदेज होकर सर झुकाकर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। अल्लाह का काम किसी का मोहताज नहीं, अल्लाह का काम किसी के लिए रुकने वाला नहीं, अल्लाह का काम किसी का लिए रुकने वाला नहीं, न मोहताज है न रुकने वाला है, अल्लाह जिससे चाहे उससे काम ले लेता है। और आज अल्लाह ने हमको मुंतखब किया इस अजीम काम के लिए, तुम अल्लाह की बारगाह में सजदरेज होकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। इसके साथ साथ हमने 5,000 अलायदा राशन के किट्स भी हम बनाए जिस पर करीब 8,00,000 रुपये का सरफा हुआ, और आज जो तकरीब है इस तकरीब में हम उन मुतासरीन की मदद करेंगे जिन बच्चियों की शादियां होनी थी, जिन्होंने अपने घरों में सामान जमा किया था अपने बच्चियों की शादियों के लिए लेकिन पानी की वजह से उनका सामान मुतासर हुआ, तो हम उन गरीब मुतासरीन जिनकी शादियां खड़ी हुई थीं और सामान मुतासर हुआ, आज हम उनकी मदद कर रहे हैं। तो शादियों के सामान की मदद हम करीब 23 लड़कियों को आज के इस तकरीब के जरिए करेंगे, और फिर उस पानी में और सैलाब जैसी सूरत हाल में कई कारों को नुकसान हुआ, प्राइवेट कार्स को हम नहीं कर रहे हैं लेकिन वो गाड़ियां जो ऊबर के हैं ओला के हैं जो घरों के सामने खड़ी थी, पानी उनमें दाखिल हुआ और वो गाड़ियां खराब हुई, तो वैसी 46 गाड़ियां हैं, कार्स टैक्सी हैं, उनके मालिकीन हैं, आज हम उनको अपनी जानिब से इमदाद देकर उनके गाड़ियों को फिर से दोबारा ठीक करेंगे ताकि वो अपने पैरों पे खड़े होकर फिर से अपनी रोजी रोटी पे काम में लग जाएं। और उसके साथ साथ आज हम ऑटोस के मालिकीन की भी मदद करेंगे, 36 ऐसे ऑटोस हैं जो मुतासर हुए, हमारी इंक्वायरी के बाद हम उन ऑटो वालों को हम उन मुतासरीन की भी मदद कर रहे हैं। और 29 किराना स्टोर 29 किराना स्टोर हैं जिनमें पानी दाखिल होने की वजह से उनका सामान मुतासर हुआ, हम आज उन 29 किराना स्टोर्स वो जनरल स्टोर जो छोटी दुकानें हैं महलों में बस्तियों में हम उनको भी आज अपनी जानिब से मदद कर रहे हैं। और छोटे बाइक्स पर जो ओला ओवर डिलीवरी देते हैं छोटे बाइक्स होते हैं वो भी मुतासर हुई थी, तो हमारी इंक्वायरी में 5 ऐसे बाइक्स पाए गए जो मुतासर हुए हैं, हम उनकी भी आज मदद कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हम उन्हीं लोगों की तहकीक कर रहे हैं और मदद कर रहे हैं, और उन मदद के लिए हम आधार कार्ड तलब कर रहे हैं, वोटर आईडी कार्ड तलब कर रहे हैं, उनकी छोटी सी एक फोटो तलब कर रहे हैं, और उसके बाद उनसे एक दरख्वास्त ले रहे हैं, हमारी कमेटी जाकर तहकीक करती है और तहकीक करने के बाद हम मदद कर रहे हैं। बेशक जितना नुकसान हुआ है हम उस नुकसान की मुकम्मल परवाही नहीं कर सकते, हम आपको मुकम्मल मदद नहीं कर सकते, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी का
यही मकसद है कि फूल नहीं तो कम से कम फूल की पकड़ी सही अपने तरफ से तावन करें। बेशक बहुत नुकसान हुआ है सबका, लेकिन हम हमारी तरफ से जो मुमकिन है कर रहे हैं, और सैलाब के मुतासरीन की मदद के लिए मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ही की नुमाइंदगी पर पूरे शहर हैदराबाद में रियासती चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया 10,000 रुपया मुतासरीन को देने के लिए। उसमें भी हमने बढ़ चढ़ कर काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह करीब 18,500 लोगों को हमने मदद की सरकार की जानिब से 10,000 रुपया उनके घरों तक जाकर पहुंचाने में। उसमें भी शायद बहुत से लोग छूट गए होंगे, लेकिन हमारी कोशिश है कि जो भी मुतासर है उसके घर तक इमदाद पहुंचे। तो आज की जो तकरीब है, इस तकरीब में हम ये जो शादियों के सामान जो नुकसान हुआ, कारों का, ऑटोस का, किराना शॉप्स का और बाइक्स का, इसकी लागत 21,81,000 रुपया हो रहा है, और आज हम वो रकम भी तकसीम करेंगे। उसके साथ साथ मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की जानिब से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर इब्तदाई मजलिस रियासत नगर के सरगरम हमारे सदर और सरगरम कारकुनों ने गैर मामूली काम किया हाफिज बाबा नगर और दूसरे मुतासरा इलाकों में, कि इनकी टीम ने जाकर फिर उसके बाद चूल्हा खराब हुआ तो चूल्हा बनाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की जानिब से और सालारी मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की इमदाद के जरिए हमने जुमला 410 फ्रिजेस रेफ्रिजरेटर्स को जो खराब हो गई थी उनको रिपेयर किया, और जो वॉशिंग मशीन्स को हमने रिपेयर किया वो 340, और गैस स्टोव जो खराब हो गए थे उनको पार्ट्स डालकर उनको भी रिपेयर किया वो 412 है, और उसके लिए जुमला लागत जो खर्च आया है वो 4,00,000 रुपये का आया है। वो 4,00,000 भी आज हमारे जो लोग जो काम कर रहे हैं उनमें हम वो इमदाद को तकसीम करेंगे। और उसके साथ साथ मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जिस दिन से तूफान आया और बारिश से मुतासर हुए, रात में पानी दाखिल हुआ, सुबह से हम फिर अपनी इमदाद की तकसीम का सिलसिला जारी रखे। हम हाफिज बाबा नगर में और चंद्रायन गुट्टे के दूसरे इलाके गुलशन इकबाल कॉलोनी में, नसीब नगर में, फूलबाग में, गाजी मिल्लत कॉलोनी में हमने अपनी जानिब से दूध और डबल रोटी हर घर में जाकर हमने पहुंचाया, और मुसलसल 7 दिन तक हम दूध और डबल रोटी मुहैया करते रहे, पहुंचाते रहे। उस पे हमने 20,00,000 रुपया खर्च किया, 20,00,000 रुपया हमने खर्च किया। अगर लॉकडाउन से लेकर आज की तारीख तक अगर हिसाब लगा ले तो हमने करीब 11 करोड़ रुपया खर्च किया है गरीबों की मदद के लिए, मुतासरीन की इमदाद के लिए, परेशान हाल लोगों की मदद के लिए। मामूली काम नहीं है कि कोई अपने जेब से, अपनी जात से 11 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है, गरीबों को दे रहा है, और ये काम इख्तदार के लिए नहीं, ये काम वोट के लिए नहीं, ये काम दोबारा मुंतखब होने के लिए नहीं है, ये काम अपनी आखिरत को संवारने के लिए है। और मेरी आखिरत का सौदा समझ कर मैं काम करता हूं, दियानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ, पूरे इखलास के साथ। और अगर आज हाफिज बाबा नगर हो, गुलशन इकबाल हो, या दूसरे मुतासरा इलाकों को अगर लोग जाकर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि पहले जैसा साफ हो चुका है, सुथरा हो चुका है, और जितनी हो सकती है वहां से हम मलबा उठाने में कामयाब हुए। सिर्फ हाफिज बाबा नगर और गुलशन इकबाल चंद्रायन गुट्टे में हम 10,000 टन आ जाते रहते जहाँ दिल्ली में आ जाता।
गौतम बुद्ध।